सड़क हादसे को लेकर आसनसोल नेशनल हाईवे 2 पर स्थित बंगाल झारखंड की सीमा डिबोडी चेक पोस्ट पर गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। आक्रोशित भीड़ ने NH2 पर पुलिस बैरिकेटिंग तोड़ दी, साथ ही नाका चेकिंग कार्यालय के सामने खड़ी पुलिस जीप को भी निशाना बनाया। इसके अलावा कई मोटरसाइकिलें भी तोड़ दी गई। बता दें कि कुछ पुलिस कर्मियों को भी भीड़ ने निशाना बनाया, उन्हें भी चोटें आई हैं। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की गई। भारी संख्या में पुलिस कॉम्पैक्ट फोर्स मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC वेस्ट अभिषेक मोदी, कुल्टी के ACP सुकांत बैनर्जी मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटना में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक इस पर कोई साफ प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि पुलिस ने जांच पड़ताल जोर शोर से शुरू कर दी है। काली पहाड़ी धर्म चक्र सेवा समिति के सदस्यों की तत्परता के कारण सोमवार को एक नाबालिग बच्ची हवस का शिकार होने से बच गई। समिति के सदस्यों ने समय रहते एक गैर हिंदू युवक को एक हिंदू नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर होटल ले जाने की बात सुनी तो उन लोगों ने युवक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। काली पहाड़ी धर्म चक्र सेवा समिति के अध्यक्ष रूपेश कुमार साव ने बताया कि एक युवक नाबालिग हिंदू लड़की को बहला फुसला कर होटल ले जाने की बात कर रहा था। हम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो हम लोगों ने उसे पूछताछ की, जबकि आरोपी युवक ने कहा कि वो कोलकाता से यहाँ घूमने आया था, वो लड़की से केवल मिलने के लिए आया था, वो कहीं ले जाने की बात नहीं कर रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि युवक बेगूसराय का रहने वाला है और उसे दिल्ली जाना था, लेकिन वो आसनसोल क्यों आया, नाबालिग के साथ होटल जाने की बात क्यों कर रहा था, फिलहाल यह सब पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि उस युवक का संपर्क इस लड़की के साथ कैसे हुआ और उसका इरादा क्या था। बता रहा है कि बेगूसराय से आया हुआ है, यहाँ एक लड़की को मतलब मिलने आया था। लड़की मतलब अभी बहुत छोटी है, मतलब इतनी छोटी कि उसका उम्र का मतलब हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। उससे मिलने आया था, उसको अभी बहला फुसला के होटल ले जाने के लिए यहाँ तैयार कर रहा था, तो भाग माँ का कृपा से हम लोगों का नज़र पड़ा और हम लोगों ने उसे दबोचा और पुलिस के हाथों दे दिया। कहे क्या करने के लिए यहाँ? ऐसे घूमने के लिए आया। कौन है वो लड़की? लड़की कहाँ गई? बात तो मैं कुछ नहीं, बस मिल के मिल के जाते बस, और कुछ नहीं। बात तुम्हें क्या घुसा अंदर में? होटल का बात तो बोलो लड़की तुझसे। अरे होटल के लिए, होटल लेके जा रहा था, होटल लेके जा रहा था। तुम बाथरूम में क्या घुसा था? बाथरूम में कुछ नहीं घुसे। बाथरूम से यहाँ किस लिए आया? दिल्ली जा रहे बहन का साथ में। बेगूसराय उधर, दिल्ली उधर, तो यहाँ पे कलकत्ता से आया। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के अवसर पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आसनसोल नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर वसीम उल हक, MMIC गुरदास चैटर्जी सहित नगर निगम के तमाम कर्मचारी और पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। আপনারা দেখেছেন, আপনারা জানেন, আপনারা পড়েছেন, আপনারা শুনেছেন, আপনাদের মা বাবা আপনাদের গল্প করে ঘুম পাড়িয়েছে যে নেতাজি কত বড় বীর ছিলেন, নেতাজি কিভাবে তার আত্মত্যাগের মধ্যে কান দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কিভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন। এই মাত্র এই দিন আমার ভাইটি সুন্দর তুমি গান গেয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কিভাবে এনেছিলেন এবং কিভাবে আজাদিন বাহিনীর ওই কদম কদম বাড়ায়ে যা খুশি কা গীতে গায়েগা এ জিন্দগি হ্যা কম কা কম পে লুটায়ে যা। आसनसोल ग्राम स्थित एक क्लब के द्वारा सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर एक झांकी निकाली गई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने स्कूल ड्रेस में राष्ट्र झंडा लेकर जुलूस में भाग लिया। खास बात यह थी कि इस झांकी में एक बच्चे ने सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा धारण की थी और घोड़े पर सवार होकर सलामी दे रहे थे। ये झांकी गाजे बाजे के साथ आसनसोल ग्राम से शुरू होकर रामसार मैदान में समाप्त हुई, जहाँ नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर आसनसोल के प्रसिद्ध व्यवसायी
सचिन राय ने कहा कि ये कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। ये सुभाष समिति जन्म जयंती उत्सव उपलक्षे क्लाबर एक रैली होच्छे। ये रैली आगे स्पोर्ट्सर माध्यम शुरू हुए এবং আজকে 5 দিন যে অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার শুভারম্ভ এবং সমস্ত সংগঠন সমস্ত স্কুল এগুলো নিয়ে একটা র্যালি হচ্ছে। এই র্যালি গিয়ে শেষ হবে আমাদের যে নেতাজি মূর্তি রয়েছে রামসায়ের ময়দানে, ওইখানে মাল্যদান হবে। মাল্যদানের পরে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা, যারা কচি কাচারা এবং এলাকার মানুষ এই উৎসবের জন্য মুখিয়ে থাকে এবং এটাকে নাম দেওয়া হচ্ছে এখন সুভাষ মেলা। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सगवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 21 के एडीडीए कॉलोनी स्थित बुबाई फिटनेस वर्ल्ड के तत्वाधान में युवा एकता वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लगभग 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। बुबाई फिटनेस वर्ल्ड के प्रोपराइटर बुबाई दे ने कहा कि इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों के सहयोग से जरूरतमंदों की सेवा हमेशा ही की जाती है। युवा एकता वेलफेयर सोसाइटी विशेष रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कंबल वितरण कर जरूरतमंदों की सहायता करने की कोशिश करती है। नेताजी का जन्मदिन के अवसर में हर साल ही किया जाता है। आज नेताजी का 126वां जन्मदिन के उत्सव से हम लोग हर साल ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आज भी सेम हम लोग इसी तरह किए, 200 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और जैसे खाली ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, युवा एकता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हमारा जो जिम है बुबाई फिटनेस वर्ल्ड धक्का एडी कॉलोनी में, यहाँ ब्लड डोनेशन भी कैंप होता है। और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हर साल होता है, इस साल भी कराएगा। हम लोग 26 जनवरी को होता है, हम लोग 23 जनवरी को उपलब्ध किए। सभी कोई है अभी आप देख सकते हैं, सिर्फ मेरा नहीं, सबका योगदान है। अनुज भैया है, सुगम पारका, सुभाष, रोतिन दास, शुभम और भी बहुत सारे से चला गया, सबका सहयोग से यहाँ बना। संसद की तरफ से आए थे जो गेस्ट थे, एडिशनल एसपी आया था देवव्रत दास, हमारे साउथ के आईसी आए हुए थे कुंडू सर, कौशिक कुंडू सर भी आए थे। मेरा नाम है बुबाई दे, मेरा जिम है धक्का एडीडी कॉलोनी बुबाई फिटनेस वर्ल्ड। প্রত্যেক বছর এটা নতুন নয়, প্রত্যেক বছর আমাদের যুব একতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন, ব্লাড ডোনেশন, হেলথ চেক আপ ক্যাম্প, আই চেক আপ ক্যাম্প প্রত্যেক বছরই আমাদের সারা বছর লেগে থাকে। 3 মাস 2 মাস পরপর আমাদের প্রোগ্রাম হতেই থাকে। 200 জন ব্ল্যাঙ্কেট পেয়েছে, আর বাকি আমাদের আরও অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, যাদেরকে আমরা, যারা সত্যিকারের দুস্থ মানুষ তাদেরকে আমরা নিজের হাতে গিয়ে পরে দিয়ে আসবো। যেমন স্টেশন রোডে আছে আমাদের ঘাগরবুড়ি মন্দিরের বাইরে বসে থাকেন, আমরা নিজের হাতে গিয়ে পরে তাদেরকে দিয়ে আসবো। এখানে 200 জনকে দেওয়া হয়েছে। আমার নাম সুভাষ চন্দ্র দাস। এডিশনাল এসপি দেবরাজ দাস আর দক্ষিণ থানা প্রভারী কৌশিক মুখ্য অতিথি কে তোর পর শামিল হুয়ে। आपको बता दें कि इसी दिन बुबाई फिटनेस वर्ल्ड के ऊपरी मंजिले पर शाइनिंग लिटिल स्टार स्कूल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन बुबाई दे के पिता कन्हैया लाल दे के हाथों किया गया, जहां वर्ष 2023-24 के प्ले ग्रुप, प्री स्कूल, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। इसके अलावा यहां कराटे और कोचिंग क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। उधर कुल्टी के सोतपुर गांव मोड़ पर तृणमूल नेत्री मोमिता सेन गुप्ता ने नेताजी का जन्म दिवस क्षेत्र की महिलाओं के साथ मनाया। इस अवसर पर नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और राहगीरों के बीच मिठाइयां बांटकर उनका मुंह मीठा करवाया। তিনি সত্যি মহান পুরুষ ছিলেন। তখন ইংরেজদের শাসনের শাসনকালে এই সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিপ্লবীরা ছিলেন বলে আজকে কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই আমরা তাকে স্যালুট জানাই এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আমাদের সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ভগবানের এই একটা ভগবানের অবকাশ।
অবতারে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন বলেই আজকে কিন্তু আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবং তাদের যে অমর কাহিনী এখন তো কারোর অজানা নয়, সবাই নিজে নিজের আমরা নিজে স্কুলে পড়াশুনো করেছি এবং সবাই জানি সে ব্যাপারটা নিয়ে। कालीपहाड़ी धर्मचक्र सेवा समिति के द्वारा आज यानी 23 जनवरी को 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सिरपांचल की प्रसिद्ध घाघरबुड़ी मंदिर प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष रुपेश कुमार ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस वर्ष 37वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद समिति को नए कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन किए हैं और इसके उपरांत हम लोगों का जो नया बॉडी कमेटी का गठन होगा उसका अनाउंसमेंट होगा, उसके उपरांत हम लोगों का आज भोजन का आयोजन किया गया है। तो ये हर साल होता है, 37 सालों से इसी तरह से होता है।